तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहां पर मेरे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग और यूट्यूब से रिलेटेड। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाली इमेज ली है बैकग्राउंड को बनाने के लिए। इसको मैंने क्या सोचा है कि दो इमेजेस को एक जैसा मतलब मिरर उसमें करके लगा देंगे ताकि एक सिमेट्रिकल बैकग्राउंड बन जाए। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, इसी का डुप्लीकेट करके रिवर्स करके इसको लगा दूंगा ताकि एक सिमेट्रिकल बैकग्राउंड बन जाए और हमारा प्रोडक्ट कुछ यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा ताकि मतलब हमारा जो फोकस है वो सेंटर में प्रोडक्ट के ऊपर रहे। तो यहाँ पर मैं जो स्काई है उसको रिमूव करके थोड़ा सा सनसेट टाइप का व्यू लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये ना अर्थ के ऊपर नहीं दिखा रहे हम, अर्थ का अनर्थ नहीं करेंगे, कुछ अलग तरीके का प्लैनेट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो इसलिए मेरे को वैसा वाइब चाहिए, थोड़ा सा मार्स काइंड ऑफ लुक चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला स्काई परफेक्ट लग रहा है, लेकिन मेरे को इसे थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके थोड़ा सा पतला करना है, स्क्वीज करना है, ताकि वो जो स्काई है ना वो बिल्कुल पर्सपेक्टिव के हिसाब से हो। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राउंड है वो बहुत छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं एक अलग से एक इमेज का यूज कर रहा हूँ जो नीचे ग्राउंड वाले एरिया को कवर करेगी। यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखाना है तो पानी होना जरूरी है। मार्स पर हम पूरा मार्स नहीं दिखा रहे, अलग तरह का अपना खुद का प्लैनेट बना रहे, तो हमारे प्लैनेट के ऊपर पानी भी एग्जिस्ट करता है। रिफ्लेक्शन इसलिए ताकि नीचे जमीन बिल्कुल ड्राई ड्राई से ना दिखे और थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए, थोड़ा सा यू नो हमारे आर्ट में थोड़े से चार चांद और लग जाएंगे ये रिफ्लेक्शन की वजह से। तो यहाँ पर मैं कुछ मैकेनिकल आर्म का यूज करने वाला हूँ जो ग्राउंड के ऊपर हम खड़ा करेंगे हाथ को, ताकि उसके ऊपर हम अपनी वॉच को मतलब कुछ अलग से एलिमेंट एक्स्ट्रा चीज़ें लगा दें ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा भरा भरा हो जाए। कॉन्सेप्ट आर्ट है तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, इतनी फ्रीडम तो है। तो यहाँ पर मैं पेन टूल की सहायता क्या बात है, तो यहाँ पर पेन टूल की हेल्प से मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ ताकि क्लीन कट मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग आर्म के पोजेस लेके मतलब उसको फ्लिप वगैरह करके बैकग्राउंड में लगा रहा हूँ ताकि हम एक डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकें, और डेप्थ ऑफ फील्ड हम क्रिएट करेंगे ब्लर डाल के नहीं, एक नई टेक्निक का यूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। हेज डाल के हम उसमें थोड़ी सी डेप्थ दिखाएंगे। अब हेज क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी चीज ब्लर नहीं करना चाहता हूँ, सारी चीजें फोकस में रखना चाहता हूँ क्योंकि सारी चीजें दिखनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर हेज का यूज करेंगे ब्लर का नहीं। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पानी पे जो रिफ्लेक्शन है वो अलग है जबकि हमारे स्काई का रिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो स्काई का रिफ्लेक्शन बनाना बहुत ही इजी है, सिंपली आप अपने स्काई वाली इमेज को डुप्लीकेट करेंगे, फ्लिप करेंगे और नीचे लगा देंगे और मास्किंग की हेल्प से उस जगह पर रिवील कर देंगे जहां पर आपको चाहिए। अगर मैं ब्रश लेके मास्किंग करने बैठूं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर मैं चैनल मास्किंग का यूज़ कर रहा हूँ जिसमें ब्लैक और वाइट सेपरेट हो जाता है, ब्लैक हमारे ओपेक पिक्सल रहते हैं और वाइट वाले विजिबल पिक्सल होते हैं। जब भी आप क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर तो वो वाइट वाले पिक्सल सेलेक्ट कर लेगा और ब्लैक वाले पिक्सल को निगलेक्ट कर देगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वाइट पिक्सल सेलेक्ट हो जाएंगे जो कि हमारे केस में पानी होगा। आप उसे कंट्रोल आई दबा के इन्वर्ट भी कर सकते हैं अगर आपको अपना सेलेक्शन दूसरा रखना है। तो यहाँ पर मैं चैनल मास्किंग टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ और हम सिंपली यहाँ पर ब्रश को चला देंगे क्योंकि हमारा सिलेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। तो जो बेसिकली हमारा होल कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, नीचे एस्ट्रोनॉट है, क्रिस्टल के ऊपर हमने घड़ी रखी हुई है और जो हाथ देख रहे हैं आप जो बायोनिक आर्म है यानी रोबो आर्म जो हमने लगाए हैं ग्राउंड के ऊपर, वहां से थोड़ी बहुत वायर निकालेंगे और बैकग्राउंड में थोड़ी सी बिल्डिंग्स ऐड करेंगे जिसपे बोट का लोगो लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको हमें थोड़ा सा जमीन में घुसा हुआ दिखाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज है आपको मास्किंग करनी पड़ेगी और उस एरिया से हटा दीजिए ताकि ऐसा लगे कि ये ग्राउंड में धंसा हुआ है। बट एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी ये है कि ग्राउंड की शेप को मेंटेन रखिए, जहां पर थोड़ा सा उभार है वहां पे थोड़ा सा आप कर्व शेप दे दीजिए अपने मास्क में ताकि ऐसा लगे कि वो ग्राउंड में सच में धंसा हुआ है और उसी पार्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पर मैं एक्सपोजर की लेयर लगा के जो हमने आर्म्स लगाए हैं उनके ऊपर शेडो क्रिएट करने वाला हूँ। ये शेडो मतलब ये जो डार्क क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट सोर्स हमारा बैकग्राउंड है वहीं से आ रही है सिर्फ लाइट, और जहां से हम देख रहे हैं वहां पर थोड़ा सा डार्क एरिया क्रिएट हो जाएगा क्योंकि फ्रंट से कोई हमारा लाइट सोर्स नहीं है। यहाँ पर मैं पेन टूल का यूज करके एक स्ट्रोक पाथ बना रहा हूँ ताकि वो वायर दिखा सकूं जो फिंगर में से निकल रही है। कुछ अलग से हम एलिमेंट्स लगा रहे हैं, यू नो थोड़ा सा साईफाई टाइप का कुछ बना रहे हैं, तो यहाँ पर वायर का होना जरूरी है, अदरवाइज वो हाथ का कोई मतलब बनेगा नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाया है कि ये मतलब कुछ जाइंट्स वगैरह हैं तो उनके यहाँ से कुछ वायर वगैरह निकल रही है, जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट डिजाइन है। तो पेन टूल का यूज करके यहाँ पर मैं वायर बना रहा हूँ और स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करके उसको वायर जैसा बना दूंगा। पर मैं बैकग्राउंड में भी कुछ वायर वगैरह दिखा रहा हूँ जो हमारे पहले के जो हमारे पीछे वाले हाथ है जिसमें हमने डेप्थ क्रिएट करनी है, तो वो जो वायर है वो थोड़े से टूटे हुए दिखाएंगे क्योंकि वो अलग अलग हो रखे हैं इस वजह से। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने बैकग्राउंड में जो आर्म का कलर है वो थोड़ा सा फेडेड सा कर दिया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पर हम हेज का यूज करेंगे, तो थोड़ा सा फेडेड होना जरूरी है। तो अब बारी है बैकग्राउंड में फॉग या हेज बनाने की। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम डेप्थ ऑफ फील्ड उसी से क्रिएट करेंगे। अभी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से हमारा जो ग्राउंड है काफी ज्यादा लिट अप है, उसको थोड़ा सा डार्क करना है और हमें शेडोज भी बनानी है हमारे कैरेक्टर और जो एलिमेंट्स हमने लगाए हैं उनकी। यहाँ पर मैं क्रिस्टल पे ग्लो दिखाने वाला हूँ और वो जो ग्लो की लाइट है ना, जैसे हमारे रोबो आर्म है, वॉच है और हमारा जो जमीन है उसके आसपास का एरिया है, ग्लो की लाइट आएगी उस जगह पर भी, तो वो भी हमें बनाना है।
तो क्रिस्टल के ऊपर या फिर किसी भी चीज के ऊपर ग्लो बनाना बहुत ज्यादा इजी है। उसी कलर का अगर आपको ग्लो बनाना है तो सेम कलर लेके आप ब्रश से चला दीजिए, उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देखिए, जो भी सूटेबल आपको लगे वो आप रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, ग्लो के पास जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी उसके ऊपर उसकी लाइट आएगी, तो यहाँ पर हम उसकी लाइट बनाने वाले हैं, यानी हाइलाइट्स वगैरह बनाने वाले हैं जिस एरिया पे वो लाइट इफेक्ट करेगी। अब हमने लाइट तो बना दी है लेकिन उसकी कलर इंटेंसिटी नहीं आई है, यानी जो ग्लो का कलर है वो भी आना जरूरी है, जो कि ब्लू है। तो यहाँ पर ब्लू कलर से हम उस लाइट के ऊपर शेड भी डालेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत आराम से की जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि लाइट का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ सकता है। सेम चीज हम ग्राउंड के साथ करने वाले हैं, यहाँ पर ग्राउंड पर लाइट बनाने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उसका लाइट हमारे ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है तो ग्राउंड पर भी पड़ेगी। तो इसी तरह से हमारा कैरेक्टर यानी जो हमारा एस्ट्रोनॉट है उसके ऊपर भी हाइलाइट्स बनाना जरूरी है, उसकी शेडो और पानी के अंदर रिफ्लेक्शन, और ये सारी चीजें करने के बाद हमारा फाइनल आर्ट पर कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर ये आर्टवर्क आप लोगों को अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह का कंटेंट आप फ्यूचर में मिस ना कर सके, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जैसे ही मेरी वीडियो आए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।